चोर का काम है चोरी करना, ये शैतान है। उसका काम है आपके अंदर से यीशु के द्वारा बोया हुआ जीवन चुराना, विश्वास चुराना, राइटियसनेस को चुराना, और आपको पाप के मार्ग पे खड़ा करके आपको घात करना, नष्ट करना। पर यीशु मसीह ने कहा, पर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, यीशु ने कहा, मेरा राज्य संसार का नहीं। जॉन 18:36, योहन्ना 18:36, यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते और मैं यहूदियों के हाथ सौंपा नहीं जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहां का नहीं। अगर यीशु का राज्य यहां का होता तो जैसे और राजा लोग युद्ध लड़ते हैं राज्य स्थापित करने के लिए, यीशु लड़ता, युद्ध करता, सेवक उसके युद्ध करते, तलवार चलाते। पर उसने पत्रस से कहा, अपनी तलवार मयान में वापस रख ले, जो तलवार चलाते वो तलवार से घात किए जाएंगे। आज भले हाथ से तलवार नहीं चला रहे मसीह लोग, मुंह से तो तलवार चलाते ही हैं रोज। इस व्यक्ति को चर्च में मत आने देना, ये ऐसा सच्चाई का प्रचार करता है, लोग स्वर्ग चले जाएंगे। यहां पर हमें रहना चाहिए, अपनी जबान की तलवार से औरों को भी कठोर करते हैं और उनको तैयार करते हैं कि वो दूसरों को कठोर करें। आज अनेक चर्च के अंदर रिवाइवल नहीं है, वो मरने को एकदम तैयार है, उनकी आत्मा में कोई पुनरुत्थान की आत्मा नहीं है, ना कोई मृत्यु की शक्ति क्रूस पर की उनको मिली है कि वो पाप के लिए मर के जी उठे होते। आज लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, कलीसियां लड़ती हैं, पासबान लड़ते हैं आपस में कि उनका राज्य स्थापित हो जाए।